Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max Hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Class Quarter, New Delhi. आज ही हमारे पास एक यंग लड़की आई थी उनकी कि हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन परसों हमने प्लान करी है और उनके साथ हमारा काफी अच्छा डिस्कशन भी हुआ और वो क्यूरियस थी कि उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए सर्जरी से पहले। तो मुझे भी आइडिया है कि मैं आपके लिए कुछ टिप्स दूं जो आपको करनी चाहिए सर्जरी से पहले। तो मैं आज आपको 5 टिप्स देने जा रहा हूँ विच यू शुड डू बिफोर प्लानिंग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। तो पहला जो टिप है सबसे अच्छा है कि आप किसी अच्छे योग्य कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें जिनका आपको एक्सपीरियंस के बारे में पता है, जिनके क्वालिफिकेशन के बारे में पता है और वो आपको ये गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किसी अच्छे सर्जन से आप संपर्क करें। दूसरा जो है आपको रिसर्च करनी चाहिए खुद ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में। आप पढ़िए, आप जानकारी लीजिए क्या इम्प्लांट होते हैं, सेलाइन इम्प्लांट है, जो सिलिकॉन इम्प्लांट है या फैट से आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करा सकते हैं। तो ये आप जानकारी लेकर चलिए। अगर जब आप वो जानकारी लेंगे तब आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगी और फिर जब आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो आपको आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तीसरा ये है कि आपको क्वेश्चंस करने चाहिए अपने डॉक्टर से। जब आप डॉक्टर के पास क्वेश्चंस कीजिए जो भी आपके मन में डाउट्स हैं। देखिए जब हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं बल्कि शुरू से जब से बना जा रहे हैं मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं आप लोगों को कि अगर आपके मन में कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क करें और हमें बड़ी खुशी होगी। मैं हमेशा आपसे कहता हूं वो इसलिए क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका मतलब आप उसमें काफी इन्वॉल्व हैं और फिर हम उन क्वेश्चंस का आपको उसी हिसाब से आंसर देते हैं। तो आपको जो है ये अपने मन में जो क्वेश्चन है आप उसको लिख के ले जाएं डॉक्टर से पूछें और जितना आप पूछेंगे जितना आप डिस्कशन करेंगे उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो है आपकी थर्ड टिप है। चौथा ये कि आपको मेडिकल इवोल्यूशन अपना कराना चाहिए। जब आप अपने सर्जन के पास जाएंगे तो वो नेचुरली वो आपको खुद बताएंगे कि आपको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए। आपको स्मोकिंग भी देखिए बंद कर देनी चाहिए बिफोर दैट। आपको ये अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी दवाइयां ले रहे हैं मेडिकेशन ले रहे हैं जिसके कारण ब्लड पतला हो जाता है तो वो भी आपको ये सब चीजें रोकनी पड़ेगी। और अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसको भी अंडर कंट्रोल लाना पड़ेगा, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर या और कोई चीज है। तो ये हो जाती है चौथी चीज जो आपको करनी चाहिए। और पांचवी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। यू शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि मैं क्या हूं, मेरी ब्रेस्ट का साइज क्या है, मेरे शोल्डर का साइज क्या है और इसको कितना बढ़ाया जा सकता है और ऐसा बढ़ेगा तो मैं कैसी लगूंगी। अब एक्सपेक्टेशन अगर रियलिस्टिक नहीं है, अगर आप बिल्कुल थिन है, हाइट कम है और आप चाहते हैं आपको 36-38 साइज का मिल जाए तो वो नहीं मिल सकता आपको। तो आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है। तो ये 5 टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा आज। और अगर आप इसको लेकर चलेंगे और फिर आप अपने कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न जितने डाउट्स सब क्लियर हो चुके होंगे बाय दैट टाइम। आप बिल्कुल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहेंगी, आपका मेडिकल चेकअप हो चुका होगा और दोस थिंग्स हैं। अगर डॉक्टर को लगता है आपका मेमोग्राम भी कराएं कुछ भी करा दे सजेस्ट इट टू यू। तो आप ये 5 टिप्स अगर लेके चले गए तो आई एम वेरी श्योर कि जो यू विल एंड अप बीइंग ए वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड पेशेंट ऑन दैट। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करने वाले बोले।